कल हम बताए थे प्रश्नावली 8.1 का दूसरा बता देते, आज तीसरा में तीसरा बनाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि आप 3 नंबर सवाल साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये साइन ए कितना दिया हुआ है, साइन ए 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, P/S, ठीक है। इसके अनुसार हम एक ट्रेंगल बना देते हैं, ठीक है, जिसमें आपको समझ में अच्छा सा आएगा, ठीक है। देखिए ट्रेंगल बना, ठीक है, साइन ए बराबर बोल रहा है P/H, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है P/H, ठीक है, पी और एच, पी आपको पता है ये होता है, एच ये होता है, तो पी दिया हुआ है 3 और एच दिया हुआ है 4, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब बोला साइन ए ए, तो एंगल क्या बन रहा है, एंगल यहाँ बन रहा है ए, ठीक है। आपको क्या मालूम नहीं है, हमको मालूम है बी मालूम नहीं है, ठीक है, ए बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ए यहाँ बोल रहा है तो 3 ये मतलब ये यहाँ नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ ए बोल रहा है तो पी क्या बनेगा, 3 यहाँ बनेगा, और एच का बनेगा यहाँ, एच तो बदलता नहीं है, ठीक है, एच कभी नहीं बदलेगा, ठीक है, पहले वीडियो आपको बता चुके हैं, ठीक। तब ये हो गया, तब क्या बोला है, कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बाय एच, ठीक है, ए ए पे बन रहा है ए का पी, ए हो गया, ठीक है। अब देखिए हमको क्या मालूम नहीं है, कॉस ए तो ये फॉर्मूला बी बाय एच होता है, इसको मालूम करने के लिए हमको क्या मालूम करना पड़ेगा, पी मालूम है हमको और एच मालूम है, ठीक है, भी मालूम नहीं है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस गोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, ठीक है, पी है, ठीक है। तो ए सी का मान क्या दिया है, 4 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ए बी, ए बी तो मालूम नहीं है, ठीक है, बराबर बी सी, बी सी क्या है, बी सी 3 है, 3 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर होगा, ठीक है, ए 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर इतना होगा और ए बी का स्क्वायर इतना होगा, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक है। ए यहाँ 16 लिख देते हैं, ठीक है, और यह प्लस में इधर आके माइनस में 9 हो जाएगा, और बराबर तो ए बी स्क्वायर तो ये है ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर है, तो 16 में 9 जाएगा कितना हो जाएगा, 7 बराबर ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर हटेगा क्या, ए बी का मान क्या होगा, बराबर अंडर रूट 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी क्या हो गया, अंडर रूट 7, ठीक है, ए बी का अंडर रूट 7, ठीक है। और तो ए बी का मान रूट 7 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या मानना है, कॉस ए पी बाय एच, देखो इसका ए बी, ए बी तो कॉस ए पी बाय एच 3/4 क्यों है, और कॉस ए ए मतलब काम बन रहा है एंगल ए पे बन रहा है, ए क्या होगा, पी होगा, और कॉस का होगा बी बाय एच, तो ये क्या हो गया, ए बी, ए बी रूट 7 हो गया, रूट 7 यहाँ लिखा है, ए बी 7 है, ठीक है, रूट 7, ठीक है। तो पी बाय एच ए पर जब एंगल होगा तो ए क्या आगे पी हो जाएगा और पी बन जाएगा ये, तो रूट 7, पी क्या हो गया, रूट 7, और एच क्या हो गया, एच तो 4 है, ठीक है। तो क्या कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना, ठीक है, तो साइन कॉस ए टेन, कॉस ए का मान हो गया मालूम, और टेन ए का ज्ञात करना, टेन ए तो एंगल ए पे बन रहा है ये, इसलिए एंगल बन रहा है, टेन ए का फॉर्मूला आता है पी बाय बी, ठीक है। तो P कितना है, इसके आगे P होगा तो 3 ये होगा, P ये P है तो 3 ये हो जाएगा, और B B आपको P के यहाँ आगे, सॉरी A एंगल के आगे बनेगा तो P हो जाएगा, और B ये हो गया तो B रूट 7, ठीक है, ये हो गया आंसर। तो क्या निकला, साइन A का मान दिया था ये, तो cos A cos है, cos A का मान निकल गया, tan A का मान निकल गया, ठीक है, रूट 3/7, ठीक है। आशा होगा कि आपको समझ में आया होगा, थैंक यू।